Welcome to Target and Goal. Today we will read about memory. आज हम memory के बारे में पढ़ेंगे. Computer में memory क्या होती है और memory का किस तरह से use है और कौन कौन सी memory computer में होती है. इसके पहले भी जो lecture इसमें बनाए गए हैं, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें हमने computer की process के बारे में, computer के generation, पीढ़ियाँ और ये सारे lecture बनाए गए हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप. तो देखिए, मेमोरी जिस प्रकार से कंप्यूटर का मेन भाग है, इस प्रकार से ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में मेमोरी मेन पार्ट है. मान लीजिए हमारे पास दिमाग तो हो लेकिन हमारे पास मेमोरी ना हो, मतलब हम किसी भी चीज को स्टोर करके ना रख सके और उसको रिमाइंड ना कर सके, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ह्यूमन के लिए. और इसी प्रकार से यदि कंप्यूटर में मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर का जितना यूज आज हम कर पा रहे हैं, इतना बड़ा यूज इसका ना हो. इसका यूज इसलिए भी है ज्यादा क्योंकि इसमें मेमोरी है, इसमें कैलकुलेट करने की प्रक्रिया प्रोसेस तो है. जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में शॉर्ट टर्म मेमोरी उसमें भी है. देखिए, हम तुरंत से उसका आउटपुट देख ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी ऐसी है जो लंबे समय के लिए भी हमें वैलिडिटी देती है, जिसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो देखिए, ह्यूमन में दो तरह की मेमोरी होती है. एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम जो भी कंटेंट याद करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी पढ़ा, मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म में मैं उसको पढ़ूंगा और भूल जाऊंगा, जल्दी ही भूल जाऊंगा, कुछ घंटों में भूल जाऊंगा, कुछ चीजों को कुछ मिनट में भूल जाऊंगा, या फिर कुछ चीजें हो सकता है मुझे एक दिन भी या फिर 24 घंटे इस तरह से याद रह सकती है. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको मैं माइंड को ये बता दूंगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को दिमाग क्या करेगा कि लंबे समय के लिए स्टोर करके रख लेगा. और इस केस में यदि हम बात करें तो इसी प्रकार से जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी क्या करता है कि दो तरह की मेमोरी रखता है. तो आज उसको हम देखते हैं कि कंप्यूटर में किस तरह की मेमोरी. देखिए, जब ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन जो मेमोरी है तो उसको मोस्टली पिक्चराइज फॉर्म में स्टोर करके रखता है डेटा को. अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो चूंकि कंप्यूटर, आवर कंप्यूटर वर्क इन डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल मीन्स डिजिट्स 1 एंड 0, इट मीन्स जो डेटा का भी स्टोरेज भी होगा वो कैसे होगा, डिजिटल में होगा. तो अपना जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर डेटा को डिजिटल रूप अर्थात 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है. अब चूंकि ये जिस प्रकार से जो अपना 0 या 1 एक बिट है, जो इनको यदि हम कॉम्बिनेशन इनका बनाएं, तो उस प्रकार से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं तो उसमें से यदि हम 8 8 के सेट बनाएं जिनको हम वर्ड या बाइट बोलते हैं, तो हमारा जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, इट मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी इन द कंप्यूटर एज इन वर्ड फॉर्मेट और बाइट, मतलब बाइट में या फिर उसको हम कहें वर्ड के रूप में डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर हम यहां पे देखें जो एक बिट होता है, तो एक बिट मतलब 0 या 1, एक बिट मीन्स 0 या फिर 1. अगर बाइट की बात करें तो बाइट 8 बिट, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू बाइट. यहाँ पे एक यूनिट और भी होती है जिसको हम निबल बोलते हैं. जब हम 4 बिट का कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ 4 बिट, दैट इज कॉल्ड निबल, तो उसको निबल बोलते हैं, मतलब 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल. अब यहाँ पे अगर हम बाइट की बात करें तो 8 बिट्स, ओके 8 बिट्स. देन आफ्टर यहाँ पे अगर हम देखें केबी, किलोबाइट, तो किलोबाइट के लिए 10 to the power 10, इट मीन ये मतलब इतनी बाइट्स होगी इसमें 1 KB में. इसके बाद ये मेगाबाइट हो गया, इसके बाद यहाँ पे गीगाबाइट हो गया, जीबी हो गया, और इसके बाद ये हो गया टेराबाइट. ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और यहाँ पे
जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से कि ये मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है। और जो मेमोरी जो इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होती है वो बाइट के रूप में स्टोर होती है। अब जो बाइट के रूप में आखिर स्टोर होती है वो होता कैसे? देखिए मेमोरी जो है, मेमोरी में इस प्रकार से ये कॉलम और रोज में बटी होती है। अब कॉलम और रोज का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया कि यहां से यहां तक का ये बिट बिट और यहाँ पे ये कॉलम, ठीक है। तो ये रोज और ये कॉलम, ये कॉलम और रोज से मिलके बनती है। और यहाँ पे अगर हम आठ आठ का कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे एक बाइट, दो बाइट, तीन बाइट, इस तरह से इसकी ये। अब यहाँ पे जो अगर इंडेक्सिंग की भी देखिए बताई गई है, इंडेक्सिंग अगर हम करें तो किस प्रकार से है, यहाँ से तो ये है। तो इस प्रकार से मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन या मेमोरी जो ब्लॉक्स में बटी होती है वो इस प्रकार से बटी होती है और इन्हीं पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सपोज मैं एक वर्ड यहाँ पे स्टोर करना चाहूं तो कोई भी वर्ड हो तो 1000 1100 इस तरह से यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। तो ये है मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन जो भी वर्ड इस तरह से उस मेमोरी में जाके फिट हो जाएगा। अब ये मेमोरी की हायरार्की देखते हैं, हायरार्की कैसे, हायरार्की एक्सेस टाइम और उसकी, एक्सेस टाइम का मतलब ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन को जिस टाइम में हम एक्सेस कर पा रहे हैं वो किसी भी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में कुछ सर्च किया तो वो कितनी टाइम में मुझे फेच होके आ रहा है, किसी मैंने डिमांड की जिस इंफॉर्मेशन की, जिस मैटर की, वो कितने टाइम में फेच होके आ रहा है, वो उसका एक्सेस टाइम होता है। इसके बाद वो एक्सेस टाइम के हिसाब से ही जो मेमोरी है वो फास्ट होगी या फिर स्लो होगी। यदि एक्सेस टाइम बहुत कम है उसका, इट मीन्स वो बहुत फास्ट होगी। मान लीजिए जैसे ही मैंने किसी भी इंफॉर्मेशन की डिमांड की वो डायरेक्टली मुझे वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी, तो वो क्या होगी, स्पीड हो उसकी ज्यादा होगी। तो ये अब देखिए यहाँ पे ये एक फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि मेमोरी किस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी और ये प्राइमरी मेमोरी। तो ये और नीचे हम जाए तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क है और ये मैग्नेटिक टेप है। अब यहाँ पे देखिए जो अगर मेमोरी को हम अगर बड़े उस रूप से अगर क्लासिफाई करें तो मेमोरी दो तरह की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इस प्रकार से अगर हम अपने फोन को भी अगर देखें तो फोन में भी क्या होता है कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल जो बाहर से हम चिप लगा देते हैं उसमें एक्सटर्नल मेमोरी, इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो यहाँ पे ये जो अपना रजिस्टर है, कैश है, प्राइमरी मेमोरी है, ये सारा क्या है कि इंटरनल इसका पार्ट होगा। इसके बाद जब हार्ड डिस्क हो गया, सीडी और ये सब, तो ये इसका इंटरनल पार्ट होगा, वो एक्सटर्नल पार्ट होगा। मतलब ये रजिस्टर, कैश और ये इंटरनल पार्ट होंगे यहाँ के और ये एक्सटर्नल पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राइमरी मेमोरी हो हमारी, ठीक है, या फिर कैश मेमोरी हो या फिर रजिस्टर्स हो, ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ये एक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जो कैसा होता है कि एक जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मींस जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रवाह की जो क्षमता है वो एक विशेष कंडीशन में होती है, वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। और यहाँ पे ये सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें से अपना मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारा कुछ आएगा। अब यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पे यदि कॉस्ट की बात करें, तो कॉस्ट की यदि बात करें तो जैसे ही हम अगर ऊपर से नीचे तो हाई और नीचे की ओर लो, मतलब कि रजिस्टर सबसे महंगे होंगे, फिर कैश मेमोरी, फिर ये। तो सबसे रजिस्टर ज्यादा महंगे, फिर ये उससे सस्ते, उससे सस्ते, उससे सस्ते, फिर ये सस्ते। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसी प्रकार से इसकी एक्सेसिबिलिटी, मतलब रजिस्टर सबसे तेज एक्सेसिबल होगा, फिर इसके पास कैश मेमोरी एक्सेसिबल होगी, फिर रैम होगी, फिर ये मैग्नेटिक टेप, फिर इसके बाद मैग्नेटिक टेप या डिस्क जो भी है, इस तरह से। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो देखिए ऊपर लो और नीचे हाई, मतलब रजिस्टर्स की कैपेसिटी लो होगी और फिर इसके बाद कैश की
उससे थोड़ी ज्यादा होगी रैम की, मतलब प्राइमरी मेमोरी की, जो मेन मेमोरी भी है, प्राइमरी मेमोरी का या मेन मेमोरी, वो क्या होगी उससे भी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, स्टोरेज कैपेसिटी। फिर ये मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप वगैरह, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये जो अभी मैंने बताया था कि मेमोरी को दो तरह से मोस्टली बांटा गया है, मतलब इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो देखिए, इंटरनल मेमोरी की कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे। उसके फीचर्स में देखिए, लिमिटेड स्टोरेज, और जो इंटरनल मेमोरी होगी उनका जो कैपेसिटी होगी, स्टोरेज कैपेसिटी होगी, वो बहुत हाई नहीं होगी। इट मींस वो डेटा तो स्टोर करेंगे लेकिन मैक्सिमम डेटा नहीं स्टोर कर पाएंगे। जैसे रजिस्टर्स हो अपने, है ना, कैश मेमोरी है, इनकी जो कैपेसिटी है स्मॉल होगी, जो कि आपने हायरार्की में भी वहां पे देखी। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी इनकी फास्ट होगी। ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोरेज होंगे, ऐसा नहीं कि इनमें हम डेटा बहुत लॉन्ग समय के लिए स्टोर करके रख सके। मोस्टली ये तभी यूज होते हैं जब हमारी प्रोसेस चल रही होती है कंप्यूटर में, और शॉर्ट टर्म के लिए ही ये मोस्टली डेटा स्टोर करते हैं। तो ये हाई कॉस्ट होगी, ठीक है, ये होगा। और इनमें से ये रैम रोम और जो भी है, इनकी स्पीड देखिए 1 से 2 नैनो सेकेंड, 1 to 2 नैनो सेकेंड इनकी स्पीड होगी, ये सारा। और इसके बाद जो हम एक्सटर्नल की बात करें, तो एक्सटर्नल में क्या होगा, उसके जो अगर फीचर देखें तो देखिए, हाँ, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा हाई होगी। ये परमानेंट स्टोरेज हो गए, परमानेंट मतलब कि लंबे समय तक हार्ड डिस्क में आप डेटा देखिए स्टोर करके रख सकते हैं, रखे रहते हैं, लेकिन रैम में आप स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखते हैं। इसके बाद ये स्लो एक्सेस होंगे, मतलब एक्सेसिबिलिटी इनकी स्लो होगी अपेक्षाकृत अपना जो रैम है, ये कैश है या फिर रजिस्टर्स है, ये इस प्रकार से। और ये थोड़ा सस्ते भी होंगे अपेक्षाकृत उनके। अब यहाँ पे देखिए, उसी का एक फिगर दिखाया गया है। मान लीजिए ये सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर देखिए क्या क्या हमें मिल रहा। एएलयू हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, इसके बाद ये रजिस्टर्स हो गए और कैश मेमोरी हो गई। तो ये देखिए, रजिस्टर और कैश मेमोरी इस सीपीयू के अंदर ही है। सीपीयू मतलब यही पे इसका प्रोसेसर होगा, तो रजिस्टर से भी उसको डेटा तुरंत मिल जाएगा और कैश मेमोरी से भी तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए, यदि उसको रैम पे जाना होगा डेटा लेने, तब क्या होगा कि एक मेमोरी बस, ये मेमोरी बस क्या है कि सर्किट्स हैं, इन सर्किट्स के माध्यम से उसको रैम में डेटा लेने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तब यहां से यहाँ आएगा, फिर यहाँ इनमें स्टोरेज होगी और फिर यहाँ पे। तो ये देखिए, प्रोसेस की अगर हम यहाँ बात करें टाइमिंग की, तो यहाँ पे टाइमिंग ज्यादा लगेगी अपेक्षाकृत की, डायरेक्टली यहीं से डेटा फेच करके और प्रोसेसर यहीं पे इसको यूज कर ले रहा है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे सेकेंडरी डिवाइस हो गए, तो सेकेंडरी का भी यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे ये डीबीडी या फिर जो हम पेरीफेरल डिवाइस बाहर से लगाए, तो उनमें भी क्या होगा, स्पीड स्लो रहेगी अपेक्षाकृत जो इंटरनल मेमोरी है। चलिए अब रजिस्टर देखते हैं कि रजिस्टर्स क्या है आखिर। तो देखिए, जैसा कि थोड़ा सामने इंट्रोडक्शन पहले देखा, तो ये हाई स्पीड होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं, ये सेमीकंडक्टर बने होते हैं, और ये सीपीयू में ही होते हैं। जो हमारा प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर में ही ये रजिस्टर्स लगे होते हैं। और देखिए, जब कोई भी प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस होने में क्या होता है कि कोई भी डेटा, मान लीजिए कोई भी डेटा प्रोसेस करना है, तो उसका जो सबसे फास्टेस्ट फॉर्म है, मतलब जो डेटा अभी तुरंत चाहना होता है हमारा किसको, प्रोसेसर को, वो डायरेक्टली डेटा होता है हमारे रजिस्टर्स में, रजिस्टर से डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर हो जाता है प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर देता है। इसके बाद यदि मान लीजिए और जो बाहर से डेटा लेना होता है, तो वो डेटा पहले क्या होता है कि बाहर से आएगा, मान लीजिए रैम से कोई डेटा हमें फेच करना है, तो रैम से वो डेटा आएगा कैश में, कैश के बाद में फिर वो डेटा कहाँ जाएगा, रजिस्टर्स में, और वो फिर रजिस्टर क्या करेंगे, डायरेक्टली डेटा उठा लेंगे वहां से। तो और जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं एडिशन करना चाहता हूं, तो एडिशन में मैंने मान लीजिए 2 नंबर का एडिशन किया, और इसके बाद में मैं मल्टीप्लीकेशन भी करना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैंने किया 2 + 2, तो अब फिर इसके बाद मैं करना चाहता हूं इंटू 2,
तो ये जो 2+2 का जो स्टोरेज होगा, तो ये डायरेक्टली रजिस्टर में ही स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जब मैं फिर इंटू टू करूंगा तो बाद में वो इंटू टू हो के स्टोर होगा। तो इस प्रकार से मतलब जो भी अगर मिड टाइम के जो रिजल्ट्स हैं, वो मिड टाइम के रिजल्ट्स भी क्या होंगे कि रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं, और ये इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। अब रजिस्टर्स भी क्या होते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के रजिस्टर प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक है एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर ACC टाइप का जो रजिस्टर होता है, ये क्या करता है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, तो उन रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर या ACC रजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करते हैं, देखिए करंट इंस्ट्रक्शन। अब करंट इंस्ट्रक्शन कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस प्रोसेस में इस समय क्या चाहिए, दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, तो इस तरह की जो डिमांड होती है उसके लिए यूज कर लिया जाता है IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो ये बताते हैं कि अगला प्रोसेस हमें क्या रन करना है। इसके बाद में प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होते हैं, ये एड्रेस एंड नेक्स्ट स्टेटस, मतलब कि ये किसी चीज का एड्रेस स्टोर करते हैं। एड्रेस कैसे, देखिए जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में भी अगर अगर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस से डेटा को फेच किया जाता है। जिस एड्रेस में वो डेटा है वहां से फेच किया जाता है, तो वो जो एड्रेस है वो एड्रेस जब इसमें स्टोर रहता है तो वो डेटा सीधे उस एड्रेस से फेच कर लिया जाता है। इसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो ये भी क्या करते हैं, नेक्स्ट लोकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर, और इसके बाद ये फिर डेटा रजिस्टर, जो डेटा के लिए या ऑपरेंड्स और ऑपरेटर इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। अब देखिए, और रजिस्टर क्या करते हैं कि स्पीड को इंक्रीज करते हैं। हमारा जो रजिस्टर्स है, रजिस्टर की, अब देखिए रजिस्टर्स की जितनी कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस किया जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा वो डायरेक्ट एक्सेस किया जा रहा है, इसलिए हमारे जो रजिस्टर्स है, रजिस्टर की जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी तो प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, और वो किसी भी प्रोसेस को उतनी ही क्विकली, उतनी ही जल्दी से क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब देखिए, जैसे जब हम कंप्यूटर को उसके फीचर पूछते हैं, तो अधिकांशतः हम लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो ये जो 32 बिट या 64 बिट की जो हम बात कर रहे होते हैं, ये वास्तव में उस रजिस्टर की कैपेसिटी होती है जो उस प्रोसेसर में यूज किए गए होते हैं, उस कंप्यूटर में यूज किए गए होते हैं। तो जनरली इस अगर हम बात के देखें तो 32 बिट या फिर 64 बिट, तो इस समय मोस्टली 64 बिट के जो रजिस्टर है या फिर 64 बिट कंप्यूटर है वो यूज किए जा रहे हैं। और इसका जनरली मीनिंग यही है कि वो जो रजिस्टर्स की कैपेसिटी है उस कंप्यूटर में कितनी है, 64 बिट की है। इसके बाद ये कंट्रोल यूनिट है, उसको बताओ। अब देखिए कैश मेमोरी देखते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। देखिए पहले तो रजिस्टर, इसके बाद में कैश मेमोरी। क्या होगा कि जब भी हम प्रोसेस करना चाहते हैं, तो प्रोसेस करने में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रजिस्टर से डायरेक्ट डेटा प्रोसेसर को मिल जाता है। अब यदि कोई डेटा नहीं मिलेगा हमें रजिस्टर में, तो क्या करेगा फिर वो जो CPU है, प्रोसेसर है, वो क्या करेगा फिर डेटा को कहाँ फिर ढूंढेगा, फिर ढूंढेगा कैश मेमोरी में। देखिए कैश क्या होता है कि ये कैश इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास जो भी रुपए हैं, तो उनमें से आप कुछ रुपए कैश रखते हैं डायरेक्ट खर्च करने के लिए, है ना, जेब खर्च जैसे करने के लिए आप डायरेक्ट रखते हैं। इसी प्रकार से जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी क्या होता है कि जिस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस डेटा को लेके रैम से कैश मेमोरी में डाल दिया जाता है, और वो फिर कैश मेमोरी से रजिस्टर को मिल जाता है, और रजिस्टर से सीधे सीधे प्रोसेस में आ जाता है। तो अगर हम देखें कि रैम
और रजिस्टर के बीच में या रैम और सीपीयू के बीच में जो प्रोसेस की स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कैश का प्रयोग कर लिया जाता है। अब ये कैश मेमोरी भी जैसे वहां पे देखे कि सेमी कंडक्टर मेमोरी होगी, स्पीड इसकी हाई होगी, कॉस्टली भी होगी, ये अपेक्षाकृत जो अपनी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज है उससे। अब देखिए ये जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी कई लेवल में होती है, कई लेवल में भी हो सकती है, और ये भी कि कैश मेमोरी जो हमारा प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर के साथ ही इनबिल्ट होती है, उस प्रोसेसर के साथ ही अंदर बिल्ट रहेगी, या फिर इसको बाहर से चिप्स के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। अगर इस फिगर को देखें हम, देखिए यहाँ पे ये रैम है, यहाँ पे ये प्रोसेसर है, और यहाँ पे ये लेवल वन और लेवल टू, दो यहाँ पे कैश मेमोरी लगी है। अब मान लीजिए जो भी हमें डेटा ढूंढना है तो क्या करेगा कि यहां से प्रोसेसर पहले इसको फेच करेगा, इसको खोजेगा, मिलेगा अगर डेटा, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तब फिर यहाँ जाएगा रैम में। अगर डेटा उसको यहीं पे मिल जा रहा है कैश में ही, तब फिर वो रैम में जाने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, और यहाँ रैम से भी डेटा फिर इनमें चूंकि लाया जाएगा, इसलिए जो स्पीड जो होगी वो इन कैश के होने की वजह से स्पीड प्रोसेसर की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको डायरेक्ट डेटा मिलता जाएगा और वो आगे प्रोसेस करता जाएगा। इस प्रकार से जैसे देखिए अगर इसकी स्पेस की बात करें तो ये चूंकि कॉस्टली होती है तो इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा नहीं होता है। अगर हम देखें तो 256 KB या 2 MB इस प्रकार से इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो होती है, और इसको बाहर से भी अलग से चिप के माध्यम से हम लगा सकते हैं। तो ये था हमारा रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद में हमने देखा कैश मेमोरी। अब इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों एक ही है। इसमें देखिए रैम और रोम, रैम और रोम, इसमें दो तरह की मेमोरी आती है। अब अगर हम बात करें रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम, यहाँ रैंडम का मतलब है कि तुरंत, रैंडम एक्सेस होने का मतलब है यहाँ पे कि ऐसी मेमोरी जो हमें रैंडमली एक्सेस दे। रैंडमली एक्सेस कैसे, जैसे मान लीजिए आप यदि टेप को देखे हो तो टेप में क्या होता है कि जब हम कोई भी मान लीजिए गाना सुनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको सीरियल में चलाना पड़ेगा, कि पहले एक गाना आएगा फिर इसके बाद दूसरा अगर हमें सुनना है तो जब उस गाने को हम किसी तरह से आगे निकाल देंगे तब हम दूसरा सुन पाएंगे। लेकिन रैंडम एक्सेस में है कि क्विकली एक्सेस, आप यदि मान लीजिए कि उसमें 10 गाने हैं तो 10 में से अगर आप पहला सुन रहे हैं लेकिन डायरेक्ट आप 8वां सुनना चाहते हैं तो रैंडमली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ये बाहर मतलब अलग से चिप के रूप में लगा दी जाती है, जैसे जो हमारा पीसीबी होता है, मदरबोर्ड जो होता है, उसमें ही ये स्लॉट के रूप में लगा दी जाती है। और ये मेमोरी देखिए वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का क्या मतलब है, वोलेटाइल का ये मतलब है कि जैसे जब हम कंप्यूटर ऑन रखते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद हम काम कर रहे हैं, लेकिन यदि अचानक से लाइट यदि चली जाए तो रैम में जो रखा हुआ डेटा है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। तो ये क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब डेटा इसमें अगर लाइट चली जाती है, डिस्कनेक्ट होती है, तो डेटा इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये भी वैसे अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज के हिसाब से देखें तो ये भी काफी फास्ट मेमोरी है, और इसमें भी डेटा जो है, क्योंकि देखिए ये स्टोरेज जो इसकी कैपेसिटी है रजिस्टर और कैश की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए 2 GB 4 GB 8 GB इस तरह से हो सकती है, तो कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो मेनली वो सारी की सारी प्रोसेस हमारी इसी में मतलब रैम में ही होती है। जैसे मान लीजिए जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही सबसे पहले रोम एक्टिवेट होती है, और रोम सारे इंस्ट्रक्शंस देती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सारा का सारा उठ के रैम में आ जाता है और काम चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो रैम है,
हमारे किसी भी प्रोग्राम को रन करने में, एग्जीक्यूट करने में विशेष योगदान रखती है, क्योंकि इसी के माध्यम से सारा का सारा जो भी प्रोसेस हो रही होती है वो सारी इसी से हो रही होती है। और ये जो रैम है, तो रैम दो तरह की होती है, एक होती है डायनामिक रैम डीरैम और एक होती है स्टैटिक रैम। अब ये डीरैम मतलब डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ये थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। देखिए अगर हम बात करें डीरैम मतलब डायनामिक रैम, तो डायनामिक रैम क्या होती है कि इस पे फ्लैशन होता रहता है। फ्लैशन कैसा कि मान लीजिए जो डेटा लाइट रहेगी भी तब भी इसमें जो डेटा है वो फ्लैश होता रहता है, मतलब डिस्ट्रॉय होता रहता है। तो ये मेन जो करेक्टरिस्ट है वो किसकी है, डीरैम की है। इसके बाद अगर हम देखें एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, तो स्टैटिक रैम जनरली उसमें जो डेटा है वो तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तब तक फ्लैश नहीं होता है जब तक कि हमारी लाइट ऑफ नहीं होती है या फिर हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में नहीं चले जाते, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोसेस बदलते हैं तो फिर वहां से ये डेटा चला जाता है। तो ये जनरली इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद यदि हम इसकी स्पीड की बात करें कि स्पीड क्या है इसकी, तो 2 to 10 नैनो सेकेंड इसकी जो स्पीड है, एक्सेस स्पीड है ये इस तरह से। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये पीसीबी जो अपना मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में स्लॉट के रूप में इसमें ये लगी रहती है। और ये भी देखिए दो तरह की होती है, एक तो होती है अपनी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, मतलब उसमें यदि एक ही तरफ पीसीबी में अगर हम लगाए सिंगल इनलाइन, तो ये होगी सिम एस आई डबल एम, और यदि अगर उसको डबल साइड दोनों साइड अगर लगाया जाए तब वो होगी डिम। ठीक है, तो ये सिम और डिम इस तरह से उसके जो मॉड्यूल हैं उसके हिसाब से है। देखिए ये है यहाँ पे, ये जो एक रैम दिखाई गई है इस तरह से, ये चिप की चिप होती है और इनको हम इसकी वो बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए अगर 8 GB रैम लगी है कंप्यूटर में, अगर उसमें स्लॉट है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम लोग रोम और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उन डिवाइसों के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।